क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11G में आपका स्वागत है। लास्ट एक्सरसाइज में 11F में हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन पढ़े, जिसमें हमने आइलेट रूल पढ़ा। आइलेट रूल से कैसे फर्स्ट सेकंड फंक्शन माने जाते हैं, उसी रूल को आगे बढ़ाते हुए इस एक्सरसाइज में हम इनवर्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिएगा 11G क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स डीएक्स। अब सुनिएगा, इनवर्स का सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है, याद रखिएगा, इनवर्स का सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हम इसके आगे ले लेंगे कुछ नहीं, मतलब वन, क्या ले लेंगे, वन। तो ये कहलाया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड, क्योंकि हमने आईलेट पढ़ा है, आई में पहला कौन है, इनवर्स, तो इनवर्स को फर्स्ट मानना है। आइए रूल लगाते हैं अपन, फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जो आया उसका होल इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस टेन इनवर्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर वन का एक्स जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। अब देखिएगा इसको कर लेते लेट, लेट करा, क्या लेट करा सर, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आई टू एक्स, डी एक्स उधर आया, टू इधर आया, तो डी टी बाई टू इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। सर क्या होगा इससे, देखिए पता चलेगा, आई एज इट इज, एक्स एज इट इज, टेन इनवर्स एक्स एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, उसकी प्लस पर डी टी बाई टू, तो वन बाई टू डी टी, नीचे वाले को तो टी माना है टी। अब देखिएगा यही कर देता हूं मैं, टेन इनवर्स एक्स वन बाई टू, वन बाई टी का लॉग टी प्लस सी, टी की प्लेस पर टी की वैल्यू, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू लॉग टी की प्लेस पर टी की वैल्यू क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चेक करें आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या मानने आया, वन, तो फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स जो आया उसका होल इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला है, सॉल्व करते हैं, वन का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रेशन एक्स जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। नीचे वाले को टी पुट कर लेता हूं मैं, लेट लेट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू आई माइनस का टू एक्स, माइनस टू उधर गया, माइनस वन बाय टू डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। चलते क्वेश्चन पर, एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स डी एक्स की प्लेस पर माइनस वन बाय टू, तो माइनस वन बाय टू डी टी अपॉन में रूट टी, वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है टू रूट टी,
एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू टू रूट टी प्लस सी, टू से टू कैंसिल, टी की प्लेस में टी की वैल्यू माइनस रूट टी की प्लेस में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बिल्कुल सही। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है सर। थर्ड सेक इनवर्स एक्स, थर्ड सेक इनवर्स एक्स डीएक्स। बोले सर ठीक है, इसके साथ भी कुछ नहीं है मतलब वन है, डायरेक्ट रूल लगा दे रहा हूं। देखिएगा फर्स्ट को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स माइनस डी बाय डीएक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। सेक इनवर्स एक्स वन का एक्स, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये होता है बिल्कुल सही। फिर वन का एक्स जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। अब देखिएगा एक्स से एक्स तो क्या हो गया हमारा कैंसल, वन अपॉन इसे इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है सर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस अरे वन का स्क्वायर एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है ना प्लस सी जो अपन ने इलेवन ई में पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू जो आया उसका होल इंटीग्रेशन। बोले सर ठीक है, इसके बाद अब आगे हम लोग क्या करते हैं इसको सिर्फ अलग बनाने की कोशिश करते हैं। बोले सर कैसे बनाएंगे देखिएगा, मेरे इसको लिखते हैं सिस्टमेटिक, एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। अब सेम बनाना, प्लस वन माइनस वन कर सकते हैं, देखिए करता हूं मैं, एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर या प्लस रहने देते हैं माइनस कर देते ना, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कर दिया, क्या कर दिया सर प्लस वन माइनस वन अपॉन में रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स एज इट इज, ये वन बाय टू बाहर लिख दिया, कुछ नहीं करा स्टेप में, माइनस का एक्स स्क्वायर इसे कैसे लिख दिया प्लस वन माइनस वन करा है ठीक है। बोले सर क्यों करा तो पता चलेगा आपको, वन माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में भी ये पूरा और माइनस वन के अपॉन में भी, वन के अपॉन में भी ये पूरा।
वन बाय टू, इसको दो बार रूट में लिख सकता हूं, वन बाय एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार क्या हो गया कैंसिल, अरे स्क्वायर के पावर वन है ना, तो इसको दो बार रूट में लिख सकता हूं, डी एक्स वन बाय टू, हमारी स्टेप बन गई एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन बाय टू। अच्छा वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स एक्स होता है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। अब यहां स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा, यहां क्या लगेगा सर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला चेक करें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बिल्कुल सही, यहां पे लगेगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आप लोग लगाकर देंगे, ये 11 ईवी हमने करा है, ठीक है, वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आप लगाकर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जहां भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा भैया वहां मैं आपको रखने को दूंगा वैल्यू, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है स्टैंडर्ड फॉर्मूला की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू बस रखना रहती है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डीएक्स, फर्स्ट सेकेंड रख दो सर वैल्यू, फर्स्ट को छोड़ा एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री जो आया उसका होल इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाय थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय थ्री को आगे लिख दिया, एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। मैंने आपको बोला था कि ऊपर की पावर न्यूमरेटर की पावर कभी बड़ी नहीं आना चाहिए और इक्वल भी नहीं आना चाहिए, या तो बड़ी आ गई तो अब डिवाइड आ जाएंगे, क्या चाहिए एक्स चाहिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस माइनस कैंसिल, माइनस एक्स बचा, क्या बचा सर माइनस एक्स बचा। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो आंसर आया वो फर्स्ट अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बोले सर ठीक है। अब इतना होने के बाद सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय थ्री इंटीग्रेशन, इसकी प्लेस पे ही लिख देता हूं मैं, पहले एक्स डीएक्स फिर माइनस वन बाय थ्री, क्या माइनस माइनस प्लस वन बाय थ्री एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बोले सर ठीक है। एक्स क्यूब बाय थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय थ्री, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वन बाय थ्री, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स टू डिवाइड में, देखिएगा डायरेक्ट कर दे रहा हूं वन बाय टू लॉग टी, मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब टी पुट करके करेंगे वही आंसर आएगा, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक लिख देता हूं मैं, एक्स क्यूब बाय थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय सिक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय सिक्स प्लस सी, चेक करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा, सिक्स नंबर का क्वेश्चन छोटा ही है, एक्स सेकेंड वर्स एक्स, ये आप करके बताएंगे भैया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन वैल्यू रख के बताया था मैं आपको, देखिएगा फर्स्ट को छोड़ा सेकेंड का एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन
सेकेंड का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाय टू होल इंटीग्रेशन, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, नीचे वाले को टी पुट करके ऊपर वाला आ रहा है, बहुत आसानी से हो गया है। तो ये आप करेंगे फॉर स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करें, पूरी 11 एप जैसी ही है, अलग कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं रख के दूंगा फॉर्मूले में, अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये फर्स्ट है और ये सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड का एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का एक्स क्यूब बाय थ्री जो आया उसका होल इंटीग्रेशन डीएक्स, एक्स क्यूब बाय थ्री साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय, ऐसा कर लेते हैं इसको, वन बाय थ्री इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ऊपर की पावर बड़ी भी है, सॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे भैया, इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, स्प्लिट। बोले सर कैसे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दोनों के अपॉन लिख देंगे, दोनों के अपॉन लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन चेक करें, अच्छा एक एक्स काट भी सकते हैं भैया, यहां पर एक्स है ना, सॉरी साइन इनवर्स, क्वेश्चन गलत लिखा है, नहीं बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। हाँ अब क्या कर सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, एक्स स्क्वायर को क्या पुट करो टी, देखिए मैं रखता हूं लेट कर देता हूं, लेट क्या लेट कर ले सर, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को टी माना गया हमने, तो डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू आ गया टू एक्स, तो डी टी बाय टू इक्वल टू एक्स डी एक्स, वैल्यू पुट अप कर देता हूं मैं, एक्स क्यूब बाय थ्री साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय थ्री एक्स डी एक्स प्लस डी टी बाई टू, तो वन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस टी है, टी डी टी अपॉन रूट ऑफ वन माइनस टी, वन माइनस टी। अब जो पुराना फंडा करा था वही फंडा फिर से अपनाएंगे, बोले सर कौन सा, प्लस वन माइनस वन वाला, एक्स क्यूब बाय थ्री फिर आप करके बताएंगे उसके बाद, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन सिक्स, माइनस हमने लगा दिया, माइनस का टी, तो प्लस वन माइनस वन, इसके अपॉन में पूरा वन माइनस टी और इसके अपॉन में पूरा वन माइनस टी, समझ में आया क्या करा है, एक्स क्यूब बाय थ्री पहले भी कर चुके इसको ऐसा क्वेश्चन में, दो बार लिखा है इसको मैंने, तो एक बार कैंसिल हो गया डायरेक्ट, तो रूट ऑफ वन माइनस टी डी एक्स माइनस वन बाय सिक्स, वन बाय सिक्स के साथ भी जाएगा, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस डी डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप करना, रूट एक्स रूट टी का पावर में वन प्लस हो जाएगा वही अपॉन में आ जाएगा, वन अपॉन रूट टी का टू रूट टी है तो पता ही, तो ये आप करना और टी की प्लेस पे टी की वैल्यू। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट सेम टू सेम है भैया, पुराने क्वेश्चन जैसे ट्राई करना ही पड़ेगा आपको ये भी, एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्यूब टेन इनवर्स, देखो इधर वही सेम फंडा, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का हो गया एक्स बाय फोर बाय फोर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स बाय फोर बाय फोर, तो वन बाय फोर बाहर लिख दिया, एक्स बाय फोर
ऊपर वाली पावर बड़ी है, क्या होगा, डिवाइड होगा, फिर सॉल्व होगा, तो ये भी आप करके बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इजी है एक्सरसाइज बहुत ज्यादा, है ना, लोड नहीं लेना है। जब भी इनवर्स आ जाए तो आगे तो वन मान लो, कुछ दिया नहीं है तो, पर इनवर्स वाला फर्स्ट फंक्शन रहता है, इनवर्स वाला क्या रहता है, फर्स्ट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है, बाकी बिल्कुल सेम। इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, कुछ नहीं है आपने, मतलब वन, सेम फंडा वापस से, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पहले टू आगे आया, कॉस इनवर्स का माइनस माइनस प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, बोले सर ठीक है। फिर यहां दो फंक्शन दिख रहा है, फिर यहां क्या दिख रहा है, तो कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लेता हूं मैं, कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लेता हूं, टी, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स इक्वल टू आगे कॉस टी, और डिफरेंशिएट करें डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉल्व करते हैं, देखिएगा माइनस डी टी इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बोले सर क्या फर्क पड़ेगा, एक्स कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके प्लस माइनस डी टी, तो माइनस डी टी टू कॉस इनवर्स को टी पुट करा था, टू टी और एक्स की प्लेस पे एक्स की वैल्यू कॉस टी, अब तो सिंपल प्रोडक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, आई लेट आई एल ए टी लेट, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, देखिएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस फर्स्ट को छोड़ा कॉस का साइन टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन टी जो आया उसका और इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला। टू टी साइन टी, साइन का माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस टू कॉस टी प्लस सी, माइनस का अंदर मल्टीप्लायर टी की प्लेस में टी की वैल्यू, 2t sin t माइनस 2 cos t प्लस सी, टी की प्लेस में टी की वैल्यू क्या है सर, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x sin t माइनस 2 cos इनवर्स x प्लस सी, तो cos से cos कैंसिल, x cos इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2 cos इनवर्स x sin t की प्लेस पर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, अच्छा ये यहां भी लिख सकते हो sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, sin से sin कैंसिल माइनस 2x, चेक करें आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही, अब क्वेश्चन नंबर 10th देखिएगा, पूरा ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है सर, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स रूट एक्स, टेन इनवर्स रूट एक्स, कोई भी पूछे नहीं, टेन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, तो अपन लेट कर लेते हैं, देखिएगा रूट एक्स को मैंने माना टी, तो एक्स इक्वल टू वर टी स्क्वायर डी टी बाय डी एक्स निकाला, ये फिर इसका डिफरेंशिएट करा, देखिएगा एक्स का वो वन
इसका वर्क 2t dt by dx डिवाइड में चला गया, dx में चला गया, तो dx इक्वल्स टू आया 2t dt। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। टेन इनवर्स रूट एक्स के प्लेस पर रूट एक्स की वैल्यू क्या है टी, और डीएक्स के प्लेस पर 2t dt। अब तो बहुत इजी हो गया ये, अब आप करके बताएंगे इसको। ये कहलाया फर्स्ट फंक्शन, ये कहलाया सेकंड फंक्शन। अरे टी टेन इनवर्स टी एक्स का तो किया ही हुआ है ना हमने, कौन से क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी टेन इनवर्स का किया है और फिफ्थ में भी किया है। ठीक है, तो ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या कह रहा है सर, सेम फंडा स्टेप बना के देता हूं आपको, रूट एक्स डीएक्स लेट किया रूट एक्स को टी, तो एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो एक्स का वन इसका 2t डीटी बाय डीएक्स, सेम फंडा है बिल्कुल, डीएक्स इक्वल्स टू 2t डीटी। क्वेश्चन पे चले, साइन इनवर्स टी 2t डीटी, साइन इनवर्स का भी किया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ही साइन, सॉरी फर्स्ट नहीं साइन का था, सेम टू सेम फोर्थ वाला क्वेश्चन बन गया है, बस टी की जगह एक्स है, सॉरी एक्स की जगह टी है। ये भी आप करेंगे, फॉर स्टूडेंट है ये भी फॉर स्टूडेंट है, तो ये भी आप करेंगे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन रूट एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स डीएक्स, बोले सर ठीक है करते हैं ट्राई। रूट एक्स को टी लेट कर लिया हमने, तो डीटी बाय डीएक्स रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, बोले सर ठीक है, डीएक्स इधर आया उधर चला गया, तो टू रूट एक्स डीएक्स सॉरी डीटी इक्वल टू डीएक्स, रूट एक्स प्लस टू टी है तो 2t डीटी इक्वल टू डीएक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, रूट एक्स के प्लेस पर 2t, सॉरी रूट एक्स के प्लेस पर टी टेन इनवर्स टी और डीएक्स के प्लेस पर 2t डीटी, तो अल्टीमेटली हमारी स्टेप बनी टू, आगे लिख देता हूं टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी डीटी। चेक करें क्वेश्चन 12 की स्टेप, बिल्कुल सही। और ये वाला क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, बस टी की प्लेस पे एक्स था, तो ये भी है फॉर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 11G होती है फिनिश। जितने स्टेप्स आपको करने दिए प्रोडक्ट रूल के सिमिलर वाले, वो आपको करके असाइनमेंट में या फिर चैट पे सबमिट करना है। नोट कर लीजिए।